लिए शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज कट किया है क्योंकि ज़्यादा वेजिटेबल्स डालूंगी। और गुड मॉर्निंग गाइस, तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेरी दिन की डेली शुरुआत होती है मेरी 40 मिनट की एक्सरसाइज से। आप भी डेली एक्सरसाइज करें, लेकिन आप शुरुआत थोड़े से करें, 5-10 मिनट से करें। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा मेरी भाभी की ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने अपना प्रेगनेंसी वेट 30 किलो कम किया है, प्रेगनेंसी का 30 किलो उन्होंने वेट कम कर लिया है। मैं आपको आगे पूरा डिटेल में बताऊँगी उन्होंने अपना वेट लूज़ कैसे किया था, पूरा डिटेल में बताऊंगी मैं आज आपको। और आप भी अच्छे से अपना वेट लूज़ जब भी प्लीज़ मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। और जब भी अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और आपको भी मेरे को देख के मोटिवेशन मिले ताकि आप भी पतले हो सकें। एक्सरसाइज डन हो चुकी है। 40 मिनट की मैंने एक्सरसाइज की है। पहले मैं 30 मिनट की करती थी, अब मैंने 40 मिनट की करनी शुरू कर दी है। तो आप भी डेली एक्सरसाइज करें जिससे आपको वेट बहुत जल्दी लूज होगा और आपको बहुत अच्छे से मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मेरा वेट लूज हो रहा है और मेरे को और अच्छे से डेली एक्सरसाइज करनी है। तो आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करें। अगर आप बिगनर है तो 5 से 10 मिनट स्टार्टिंग में करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर लोगे आधे घंटे की 40 मिनट में स्टार्टिंग में तो आप हफ्ते तक बैठ जाओगे तो फिर क्या फायदा हुआ। इसलिए आप स्टार्टिंग में सिर्फ 10 मिनट की करें, फिर आप धीरे धीरे टाइमिंग अपना बढ़ा दें। जैसे मैं स्टार्टिंग मैं थोड़ा कम करती थी, अब फिर मैं 30 मिनट किया, अब मैं 40 मिनट का करती हूँ, फिर धीरे धीरे अब मैं टाइमिंग बढ़ा दूंगी। तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा थकोगे, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बस अपना वर्कआउट करते रहो और हेल्दी रहो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा वोहरा लाइफस्टाइल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा वोहरा लाइफस्टाइल में। मैं ठीक हूँ, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है। सुबह की एक्सरसाइज 40 मिनट की कर चुकी हूँ मैं। अभी मैं अपनी फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक लेने लगी हूँ। मॉर्निंग ड्रिंक में मैं लूँगी जीरा और सौंफ का पानी, जो कि मैंने रात को भिगो के रखा। चलो बनाते हैं। मेरी किचन से बाहर का व्यू दिखता है और ये सुबह सुबह मैंने ये अपने मनी प्लांट में मैं पानी चेंज कर दिया है। और देखो यहाँ पे मेरा ये बन रहा है जीरा और सौंफ का पानी। इसको मैं रात में भिगो के रखा था, तो इसको मैं अब एक उबाला दिलवा के छान के पीऊँगी। और इतना बड़ा गिलास है, जो ये वाला गिलास है, इसको मैं भिगो के रखती हूँ। अच्छे से उबाला दिलवाना है, बहुत अच्छे से इसको उबल गया जैसे। अब इसको मैं छान के। ड्रिंक रेडी हो चुकी है, जीरा और सौंफ का पानी। सुबह सुबह मैं इसको एम्प्टी स्टमक लूँगी। तो गाइज आपको सुबह उठते ही खाली पेट कोई ना कोई ड्रिंक लेनी है। मैंने आज लिया है जीरा और सौंफ का। कभी मैं अकेले सौंफ का भी ले लेती हूँ, कभी मैं खाली पेट खाली जीरे का भी ले लेती हूँ, कभी आप धनिया का ले सकते हो। मतलब बहुत सारे पानी है कि। और आप गुनगुना, इवन गुनगुना पानी भी आप खाली पेट ले सकते हो। तो आपको इसे ड्रिंक लेते रहना चाहिए और 3 से 4 लीटर पानी पियो। और खाली पेट तो आपको कोई ना कोई ड्रिंक लेनी है, जिससे ना आपका पेट का जो सा फैट होता है ना वो बहुत जल्दी कम होगा और इंच लॉस बहुत जल्दी होंगे। और पानी तो आपको दिन में 3 से 4 लीटर पीना ही पीना, जिससे हमारा वजन बहुत जल्दी कम होगा। तो मेरी आज ड्रिंक है ये जीरा और सौंफ की। A few moments later. Guys, मैं ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं बनाने लगी हूँ एप्पल ओट्स स्मूदी। तो इसमें मैंने यही वाले 3 चम्मच मैंने ओट्स के लिए थे। इसको मैंने भिगो के रख दिया था 1 घंटे के लिए। और 1 एप्पल मैंने ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख दिया। और ये मैंने आधा गिलास मिल्क लिया। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्सर में डाल के, मेरे पास मिक्सर नहीं है तो ग्राइंडर में मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूंगी। तो मैं इन सबको तीनों को ब्लेंड कर लूंगी अपने उससे ग्राइंडर से। और इसमें मैं चीनी नहीं डालूंगी। अगर आपको मीठा पीने का मन है तो आप उसमें हनी डालें, शहद डालें। मैं चीनी नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे को ये एप्पल की स्वीटनेस, एप्पल की अपनी मिठास होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। बस इन तीनों को ब्लेंड करना है और बन जाएगी एप्पल ओट्स स्मूदी। ये सारा कुछ मैं सामान डाल दिया। अब बस मैं ये ग्राइंडर से मिक्स कर दूंगी। के ऊपर ये थोड़े से मैं एप्पल कट किए हुए डाल दूंगी। थोड़े से हम इसमें पम्पकिन सीड डाल देंगे गार्निश करने के लिए। ब्रेकफास्ट आज मैं कर रही हूँ एप्पल ओट्स स्मूदी का। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह ठंडा ठंडा खाना। तो चिल्ला भी खाती हूँ मैं, पराठा भी ले लेती हूँ, लेकिन आज मेरा मन था कि एप्पल ओट्स स्मूदी खाऊं। इसमें ओट्स भी है, फाइबर भी है, एप्पल भी है, फ्रूट भी हो गया, दूध भी हो गया, सब कुछ है, प्रोटीन सब कुछ मैंने डाला है इसमें। तो सुबह सुबह ऐसी ड्रिंक पीना बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए। तो आपकी मर्जी है, आप पराठा भी ले सकते हो, 1 पराठा ले लो या ओट्स खा लो, कुछ भी खा लो। ऐसा नहीं है कि हम पराठे नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, खा सकते हैं। लेकिन मैं आज ले रही हूँ ठंडा ठंडा ये एप्पल ओट्स स्मूदी। तो गाइज आपको जैसे मालूम है कल के व्लॉग में मैंने डाला था ये दही कैसे जमाई थी मैंने 1 किलो दूध से। जिन्होंने कल का व्लॉग नहीं देखा तो वो जाके देखें व्लॉग। तो उसमें मैंने दही जमाना सिखाया है। और देखो ये कितनी ज्यादा अच्छी और थिक जम गई, जैसे मलाई होती है। आप देख सकते हो कहीं भी कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है, कितना ज्यादा अच्छी दही जमी हुई है। तो मैं कर रही हूँ अभी तो दोपहर का मैंने लंच भी नहीं किया है, लेकिन मैं कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन, क्योंकि छोले आपको पहले ही भिगो के रखने पड़ते हैं। तो मैं इवनिंग में बनाऊँगी अपना ये चना सैलेड बनाऊँगी। थोड़े से चने हैं, इसको मैं भिगा के रख रही हूँ, कम से कम 5-6 घंटे तो इसको भिगोना चाहिए ना। जैसे अभी 12 बजे हुए हैं तो अभी मेरा लंच रेडी नहीं हुआ है, तो 5-6 घंटे मैं भिगो के रखूँगी, तो इतने में शाम तक ये भीग जाएंगे। 12 हो गया और मेरा लंच का टाइम हो गया। तो मैं लंच में पहले तो मैं बनाने लगी थी जौ का दलिया, मैंने निकाला बट वो थोड़ा सा पड़ा था, तो फिर अभी मेरा ऑप्शन चेंज हो गया। तो अभी मैं अपने लंच में बनाने लगी हूँ वेज खिचड़ी बनाऊंगी, जिसमें मैंने वेजिटेबल्स कट किए हैं। मैं आपको ये शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज कट किया है, क्योंकि ज़्यादा वेजिटेबल्स डालूंगी। और मेरे को मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे पास मटर है नहीं है, ना गाजर है, तो जो घर पे मेरे पास अवेलेबल थी मैंने वही सब्जियाँ बना रही हूँ, तो वही डाल रही हूँ। इसमें मैंने ये मूंग मसूर की दाल ली है और राइस मैंने थोड़े ली है, दाल मैंने ज़्यादा ली है। 1 स्पून मैं ये वाला घी का डालूंगी। आपको जो बैटर लगे, आपको सरसों का तेल डालना है या कुछ भी और ऑप्शन है, ऑलिव ऑयल आप डालना है तो आप डाल सकते हो। मैं 1 चम्मच घी में बनाऊंगी इसको, और घी में कोई फैट नहीं होता है, ये गुड फैट में काउंट होता है, ये बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। 1 चम्मच घी पूरे दिन में तो जरूर खाना ही चाहिए। इसमें घी डाल दी है, थोड़ा सा जीरा डाल दी है, तो इसमें मैं कट किए हुए ये अनियन डाल दूंगी, टमाटोज डाल दूंगी अपने सारे, और ये शिमला मिर्च भी सारी डाल दूंगी। इसमें मैं नमक डालूंगी, मिर्च डालूंगी और हल्दी डालूंगी। दैट्स इट। क्योंकि जो मेरा ये व्लॉग देखते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि मैं अपनी सब्जियों में सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी डालती हूँ, कभी कभी धनिया पाउडर डालती हूँ, लेकिन आज मेरे को धनिया पाउडर भी मन नहीं कर रहा डालने का। सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी डाली है मैंने इसमें। बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, और आप अंदर देखो बन रही है गर्मा गर्म खिचड़ी, इसका तड़का रेडी हो रहा है। इसमें मैंने पानी डाल दिया है। पानी आप कितनी खिचड़ी बना रहे हो, पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें, अपने हिसाब से। तो इसमें अब मैं 2 से 3 विसल लगवाऊंगी और फिर बन गई खिचड़ी हमारी। मेरा लंच है ये आज। कितनी अच्छी खिचड़ी बन गई है, इसकी शक्ल ही आप देख सकते हो कितनी प्यारी बनी है। ये हमारी तैयार हो गई है लंच में वेट लूज खिचड़ी, वेजिटेबल वेट लूज खिचड़ी। जो वेट लूज़ नहीं भी कर रहे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी खिचड़ी। और ये तो वैसे भी वेजिटेबल्स डाल के तो बहुत ज़्यादा यमी बन जाती है, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो गाइस सच में ये बहुत ज़्यादा यमी बनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है खिचड़ी खाना, कम्फर्ट मील है मेरा। ईजी, जल्दी बनाओ और छोटी सी रेसिपी होती है, इजी सी रेसिपी होती है, बस दाल और चावल डालो और बन गई खिचड़ी। बहुत अच्छी लगती है मेरे को ये। और आप लंच में रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं। जैसे कल मैंने दाल चावल खाए थे, तो आज मैंने खिचड़ी बना ली। एक दिन छोड़ के रोटी बना लो, ऐसे ही खा सकते हैं। तो मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी खिचड़ी। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो क्वांटिटी है ना, पोर्शन, जो मतलब क्वांटिटी पोर्शन मतलब इतना, अगर आप इतना खाते हो तो आप इतना कर दो। जैसे देखो मैंने छोटा सा बाउल लिया है, इससे ज्यादा मैं नहीं खाऊंगी। बस आपको जितना खा रहे हो, 4 रोटी खा रहे हो तो 2 कर दो, 2 खा रहे हो तो 1 कर दो, बस उससे आधी करनी है। आपका वेट लूज बहुत इजीली होगा। तो बस यही छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखनी है, जिससे हमारे वेट लूज में हमको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। मैंने अपने प्लांट्स में सुबह सुबह ही पानी डाल दिया था, और आप देख सकते हो 1 बजने वाला, और धूप बहुत ज्यादा है। हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन धूप बहुत कड़क की निकली हुई है आज। गुड इवनिंग। तो अभी हो गया शाम का टाइम, शाम के 4 बज चुके हैं। तो मेरा कुछ शाम को पीने का मन कर रहा है। अभी मैं अपना काम कर रही थी लैपटॉप पे, तो अभी थोड़ा फ्री हुई हूँ। तो अभी 4 बजे है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ बनाऊँ। तो मेरा मन कर रहा है तो मैं ग्रीन टी पीती हूँ या मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। हम थोड़े से नट्स लेंगे, पिस्ता या बादाम, देखती हूँ। तो चलो बनाते हैं। डिसाइड किया है कि मैं बनाऊँगी ग्रीन टी। मैं यूज़ करती हूँ लूज़ ग्रीन टी, ऑर्गेनिक इंडिया की। तो मैं इसमें ग्रीन टी डाल रही हूँ। जब इसको आ जाएंगे 1-2 बॉयल, तो इसको छान के मैं पी लूंगी। इवनिंग स्नैक में ले रही हूँ ये 4-5 पिस्ते हैं। आप भुने हुए चने होते हैं वो भी ले सकते हो, और वो फूलियाँ होती है ना मुरमुरे, उसकी चाट बना के भी ले सकते हो। कुछ भी मतलब आपको हल्का, जो आप बिस्किट भी ले सकते हो। इवन आप 1 बिस्किट ले लो, और साथ में आप दूध वाली चाय भी ले सकते हो। मैं ग्रीन टी ले रही हूँ, और आप इसमें कॉफी, ब्लैक कॉफी ले सकते हो। कुछ आपको जो इवनिंग में मन करे, आपको ठंडा कुछ पीना है आप वो भी ले सकते हो, जो आपका मन करे आप वो ले सकते हो। और प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब किया करें। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, देखो फैन ऑफ है और मैं बैठी हुई हूँ, पसीना इतना, गर्मी है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। वीडियो देखते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। तो आज यहाँ पर बहुत बाजार लगता है, और मेरे को कुछ सब्जी लेनी है। मेरे पास सब्जी बिल्कुल भी नहीं है, वेजिटेबल्स आई नहीं, तो बहुत बाजार लगता है। तो मैं झटपट जाऊंगी और झटपट वापस आ जाऊंगी 15-20 मिनट में, तो क्योंकि मेरे को आकर फिर डिनर भी अपना प्रिपेयर करना है। तो चलते हैं। कितने रुपए किलो है ये? यहाँ पर आज बुध बाजार लगता है, मैं थोड़ी जल्दी चली गई थी क्योंकि फिर रात में मेरे को एडिटिंग करनी होती है। यहाँ पे भैया से मैंने खीरे लिए, भैया ने खीरे दिए 30 रुपये किलो। सही है, कोई 20 दे रहा था कोई 30, इन्होंने 30 रुपये किलो जो देसी खीरे हैं। यहाँ पे तोरी मेरे को मिली थी 50 रुपये किलो। यहाँ पर मैं प्याज ले रही थी, 20 रुपये मिल रहे थे। ये दो दे देना। और गाजर क्या रेट है? 20 की पाव। 20 की पाव कितना लगाया आपने? 55 रुपये किलो। तो मैं आ गई सब्जी लेके। बाहर इतनी गर्मी आके मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए, मुंह हाथ धोया। तो सब्जी मैंने वॉश नहीं की, मैं अपना जब ये वीडियो अपलोड करके फिर उसके बाद मैं वॉश करके रखूँगी। 5:30 बजे हैं, 6 बजे तक अपना लंच 6 बजे तक मैंने अपना डिनर कंप्लीट करना है। तो मैंने छोले उबलने रख दिए हैं, आज मैं डिनर में खाऊंगी चना चाट। बस मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। चलो बनाते हैं चना चाट। आ दिए अपने चने उबलने, चना चाट खाऊंगी आज मैं। जैसे जो लोग नई मेरी वीडियो देख रहे हैं, न्यू वीडियो देख रहे हैं, तो उनको नहीं पता होगा कि मैं 6 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग पे हूँ। तो मैं अपना 10 बजे से स्टार्ट करती हूँ और शाम के 6 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ, डन कर लेती हूँ। उसके बाद चाहे मैं अपनी नाइट ड्रिंक थोड़ी देर लेट ले लेती हूँ, लेकिन मैं 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाती। तो 16 to 8 विंडो है मेरा, और मैं बहुत धीरे धीरे 32 बार चबा के खाना खाती हूँ ताकि उसे और मेरे को भूख भी कम लगे। डिनर के लिए प्याज, टमाटर और ये खीरा काट लिया। आज मैं बनाऊँगी डिनर में अपनी चना चाट, तो बस मैं बनाने लगी हूँ चना चाट। इसमें मैंने प्याज, टमाटर और खीरा डाला है और नमक डाला और थोड़ी सी मिर्च डाली है बस मैंने। और इसमें मैं ये ऑर्गेनो डाल रही हूँ। ऑर्गेनो आपका ऑप्शनल है, आपको डालना है डालो, नहीं तो स्किप कर दो इसको। थोड़ा सा बट डालूंगी। और इसमें मैंने वो नहीं डाला, नींबू नहीं डाला इसमें मैंने, क्योंकि नींबू मेरे को सूट नहीं करता, मेरा गला बहुत जल्दी खराब हो जाता है। बस थोड़ा सा इसमें मैंने ऑर्गेनो डाला है और इसको बस हम कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। बस हो गया रात का डिनर, चना चाट रेडी। गाइस मैं डिनर में खा रही हूँ अपनी चना सैलेड क्योंकि चना चाट खा रही हूँ। आपको डिनर हमेशा लाइट रखना है, चने खा लो, चना चाट खा लो, सूप पी लो, या खिचड़ी, दलिया, दूध, आप फ्रूट्स में पपाया खा लो। अगर पपाया सूट नहीं करता तो वाटरमेलन खा लो, क्योंकि मेरे को पपाया नहीं सूट करता, पपीता। तो मेरे को लगा किसी और को भी जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो काफी ऑप्शंस हैं, बस अपने डिनर को आप लाइट रखो। दिन में आप खा सकते हो हैवी, लेकिन रात का मील आप हमेशा लाइट रखो। तो मैं चना सैलेड का अपने इंजॉय कर रही हूँ। तो गाइज अभी मैं आपको अपनी भाभी के बारे में बताती हूँ। वो मेरी रियल भाभी है, आपने पिछले व्लॉग्स में उनको देखा होगा। जब मैं अपने घर गई थी तो उन्होंने अपना प्रेगनेंसी वेट, उन्होंने 30 किलो अपना वेट कम कर लिया है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने मील स्किप किए हो, अभी खाना उन्होंने छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने प्रॉपर 3 टाइम का अपना मील लिया है, ब्रेकफास्ट किया, उन्होंने लंच किया, उन्होंने डिनर किया। क्योंकि उनका छोटा बेबी था, वो दूध भी पीती थी इनफैक्ट 2-2 बार, क्योंकि उनका बेबी था, उनको फीड करवाना होता था। तो वो बस ये बातों का ध्यान रखा उन्होंने। जो मैं खाना खा रही हूँ वही खाना वो खाती थी, सेम प्रॉपर हमारी डाइट थी। बस वो अपना खाना अच्छे से चबाकर खाती थी, धीरे धीरे खाती थी। और धीरे धीरे खाने से आपको पता ही है कम भूख लगेगी, धीरे धीरे चबाने से कम भूख लगती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने अपने मील स्किप किए, उन्होंने कुछ भी खाना छोड़ा। वो अपना प्रॉपर घर का खाना खाती थी, बाहर से उन्होंने खाना छोड़ दिया, घर पे वो प्रॉपर अपना खाना खाती थी। आपको पता है बेबी होने के बाद वो प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी खाना छोड़ना है। इनफैक्ट वो दूध भी पीती थी, लस्सी, दूध, दही, खाना बहुत स्लोली खाती थी, धीरे धीरे खाती थी। वो अपना 32 बार चबाने की कोशिश करती थी और 32 बार चबा कर ही खाती थी। आजकल मैंने भी वो फॉर्मूला अपना रही हूँ और मेरा बहुत ज्यादा वेट लूज उससे मैंने कर लिया है। मैंने अपना 15 किलो वेट लूज किया है। सब कुछ खाकर अपना वेट लूज कम किया, जो डाइट में मैं आपको बता रही हूँ वही उन्होंने खाया और अपना प्रेगनेंसी वेट उन्होंने 30 किलो कम कर लिया। आपने थंबनेल में देखा ही होगा वो कैसी थी और कैसी हो गई। तो ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। बस आपको पोर्शन अपना कंट्रोल करना है। आप जहां खाते हो 4 रोटी वहां 2 कर दो, 2 खाते हो 1 कर दो, बस क्वांटिटी आपको कम करनी है और कुछ नहीं है। दैट्स इट, बस इतना ही करना और हमारा वेट लॉस बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन और मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो, मेरे टिप्स अच्छे लग रहे हो, मेरी एक्सरसाइज अच्छी लग रही हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है। मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर आप लाइक करके जाते हो तो मेरे को लगता है कि हाँ मेरी वीडियो अच्छी बनी है और मेरे को मोटिवेशन मिलती है। मुझे जरूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।